दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। युवाओं को नशे जैसी खतरनाक आदतों से बचाने के लिए युवा शक्ति मंडल नोहराधार के युवाओं द्वारा आयोजित पुरुष व महिला वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पीयूष राठौर ने शिरकत की तथा विजेता व उपविजेताओं को ट्रॉफी व नगद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया। युवा शक्ति मंडल के अध्यक्ष विवेक चौहान ने बताया कि आज के समय में चिट्ठे का नशा तेजी से फैलता जा रहा है, जिसकी चपेट में ग्रामीण क्षेत्रों के भोले युवा आ रहे हैं। इसके चलते हम युवाओं ने खेलकूद प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतियोगिताएं आयोजित की। हम समय समय पर इस तरह से इवेंट्स करवाते रहेंगे ताकि युवा वर्ग अपने शरीर के साथ साथ खेलों में भी रुचि लें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नोहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन।